पांडवों में जो श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन था, उस अर्जुन की टक्कर की आत्मा है, लेकिन भगवान को फॉलो न करने के कारण, दुष्ट संग हो जाने के कारण कौरवों की लिस्ट में चला गया। इसलिए ये पार्ट क्लियर हो जाता है। ये पार्ट तभी तक ही माना जाएगा जब तक देह अभिमान आत्मा में मौजूद है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद भी वो कर्ण वाली आत्मा कौरवों की ओर आकर्षित ज्यादा होती है या पांडवों की ओर ज्यादा वो आकर्षित होकर रहती है? कौरवों की ओर ही आकर्षित होकर रहती है। और बाबा नवनाथ ग्रंथ में लिखा है, सूर्य का वीर्य ढल गया तो वह बूंद बूंद करके जहां जहां गिरा वहां वहां एक एक नाथ का जन्म हुआ। उनमें से कोई का नाम मत्स्येंद्रनाथ, कोई का नाम गोरखनाथ, ऐसा लिखा है। एक क्या लिखा, नवनाथ बड़े ही विरक्त थे, माना नष्ट मोह थे, विरक्त माने राग से परे, वि माने विपरीत। लगाव नहीं था उनमें, वो बड़े ही विरक्त थे, पर स्त्री या परधन वमन के समान समझते थे। तो क्या ये अष्टदेव का गायन नहीं है? है तो, क्योंकि रुद्रमाला सारी ही बिच्छू टिंडनों की माला है, या कोई ऐसे भी हैं जो बिच्छू टिंडन पुरुषार्थी जीवन में नहीं होते हैं? है? कोई कम होते हैं, कोई ज्यादा होते हैं। हाँ, अष्टदेव ऐसे हैं जिनमें एक विशेष गुण है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का विशेष गुण, कि जब से ज्ञान में आते हैं तो ईश्वरीय कार्य में ही उनकी रग लगती है, राग लगता है, लगाव लगता है, दुनिया की बातों में उनका लगाव नहीं लगता। उनमें नाम दिए हैं दो, मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्य माने मछली, मछलियों का इंद्र अर्थात मछलियों का राजा। मछलियों का राजा कौन होता है? है मगरमच्छ, मगध देश है मगरमच्छों का देश, जहां मैं आता हूं। तो उनमें एक नाथ का नाम है मत्स्येंद्रनाथ, मछलियों का राजा है, माने कंट्रोलर है,
और दूसरा है गोरखनाथ, गौ रक्ष। दो शब्दों को मिलाने से बनता है गौरख, गौओं की रक्षा करने वाला गोरखनाथ। इनके मुख्य नाम है जी। किसी ने पूछा है आदि में जब माता पिता के बीच सुनने सुनाने और समझने समझाने का काम चला तो बाबा ने बोला अष्टदेव भी थे, ऐसा है? है? बाबा ने कहा बोला अष्टदेव थे उस समय? बाबा जब आते हैं तो तीन देवताओं के साथ आते हैं, ये अष्टदेव भी होते हैं? तीन देवताओं के साथ आते हैं, ऐसे तो नहीं बोला कि उस समय अष्टदेव भी होते हैं? तीन के बीच की बात है, बाकी जो अष्टदेव हैं वो बाद की बात है, क्योंकि तीनों के बीच में सुनने सुनाने और समझने और समझाने के क्रियाकलाप में सबसे आगे जाने वाला देव कौन सा है? हाँ? अरे तीन देव है ना, तीनों मूर्तियों में सुनने सुनाने समझने और समझाने का जो कार्य चला, पार्ट चला, उस पार्ट में सबसे आगे जाने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। उस सबसे ऊपर जो दिखाई गई है, तीन सूक्ष्म वतन में सबसे ऊंची स्टेज वाला, तो जो सबसे ऊंची स्टेज वाला है वो पहले पहले सुनता भी है, सुनाता भी है, समझता भी है और पहले पहले समझाता भी है। वो ही ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण, पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र है। तो जो पहला है वो पहले ब्राह्मणों की सृष्टि रचेगा या नीचे वाले पहले रचेंगे? जो पहले है वो पहले रचना रचता है, क्योंकि अव्वल नंबर में है इसलिए उसकी रचना भी अष्ट देवों की अव्वल नंबर की है। उसमें सात सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी ही पक्के देवता कहे जाते हैं, उनका नाम ही है अष्टदेव। अष्ट क्षत्रिय नाम नहीं है, अष्टदेव नाम है तो किससे पैदाइश हुई होगी? देव ही पैदाइश करेगा या क्षत्रिय पैदाइश करेगा? हैं? देव ही पैदाइश करेगा, तो वो राम वाली आत्मा या जिसका नाम शंकर पड़ता है, विख्यात होता है, वो आत्मा शरीर छोड़ने अर्थात 42 से पहले अष्टदेवों को जन्म देती है या बाद में देती है? हा? कोई कहता बाद में, कोई कहता पहले। हा?
बाद में इसलिए नहीं कहेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद उसे फेलियर क्षत्रिय कहेंगे या सूर्यवंशी कहेंगे, है? वो तो क्षत्रिय हो गया, उस समय की रचना नहीं है फेलियर होने के बाद अष्ट देवों की। अष्ट देव तो फेलियर होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं। तो जो नजदीकी मिटमैट होते हैं उनके बीच में बात पहले सुनाई जाती है। तो यज्ञ के आदि में बाबा ने जिक्र किया है, पहले कलकत्ते में चार घोड़ों की गाड़ी चलाई जाती थी, जो गीता में चार घोड़े दिखाते हैं। वो चार घोड़े चार मुख्य धर्मों की चार बीज रूप आत्माएं हैं। वो यज्ञ के आदि में भी थी और वो चार अकेली ही नहीं है, वो रुद्रमाला के मणके हैं। इसलिए कोई स्त्री चोले के रूप में भी होंगे, बहन के रूप में, बल बहन का चोला है तो भी स्वभाव संस्कार से पुरुष स्वभाव संस्कार वाले थे, तो चार और चार मिलकर के आठ हैं। वो अष्टदेव यज्ञ के आदि में भी थे, कारण या कारण टूट गई है माला, मोती बिखर गए, वो आठ वहां बिखर गए। तो बिखरने के बाद अपने अपने पार्ट के अनुसार कोई पहले कोई बाद में जन्म लेते रहते हैं और बाद में एडवांस में आ जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि तीन मूर्तियों के बीच में जब शिव ने ज्ञान सुनाया तो शिव के साथ साथ तीन मूर्तियां भी होती हैं और अष्टदेव भी होते हैं, ये बात रंग है। बाबा मुरली में बोला है, निंदा तुम्हारी जो करे मित्र तुम्हारा, मित्र हमारा सोए। जो हमारी निंदा करता है वो हमारा मित्र है। कैसे? बताओ। निंदा के बाद हम निकल सकते हैं, जो निंदा कर हमारे जो अवगुण है वो बताता है वो निकाल सकते हैं। निंदा दो तरह से होती है, एक तो पेट की पीठ के पीछे और एक सन्मुख। तो जो सन्मुख निंदा करता है वो मित्र होता है या दुश्मन होता है? वो ही सच्चा मित्र है जो हमारी कमी को हमारे सामने ही बता दे, डरे नहीं। जिसके अंदर चोर होता है वो क्या करेगा? सामने से नहीं बतावेगा, पीछे पीछे निंदा करके काट करता रहेगा। तो जो सन्मुख हमारी बात हमारी कमजोरियां हमको बताते रहते हैं वो हमारे मित्र ही हैं, उनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। और मुरली में बोला है, चाहे तो बाप दादा वापस भी जा सकते हैं,
ऐसे क्यों? हाँ? चाहे तो, इसका मतलब बाप दादा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाँ? चाहते नहीं है लेकिन फिर भी मान लो चाहते हैं, चाहने लगे, चाहे तो जा सकते हैं, माना? बाप दादा में तीव्र पुरुषार्थ करने की इतनी शक्ति है, इतना मादा है कि चाहे तो बच्चों को छोड़ करके भी जा सकते हैं, लेकिन ना, लेकिन बाप दादा जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? हैं? हाँ, क्योंकि बाप का वायदा है, वायदा बाप नहीं तोड़ सकते। दादा बड़ा भाई कहा जाता है, बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। न बाप तोड़ सकता है वायदा, न दादा तोड़ सकता है। तो बल तीव्र पुरुषार्थी हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ करके नहीं जा सकते। बाबा ने मुरली में बोला है, कन्याओं को माता बना देता हूं, माताओं को कन्या बना देता हूं। तो बाबा बताओ कैसे? माताएं अगर सरेंडर हो जाएं, यज्ञ के अंदर रहें, तो उन्हें भाइयों के बीच में रहने दिया जाता है कि नहीं? हाँ? रहने दिया जाता है? नहीं। तो पवित्र हो गई या नहीं? पवित्र हो गई तो पवित्र को कन्या कहा जाता है या नहीं? हाँ? कन्या कहा जाता है। तो माताएं जितनी भी सरेंडर्ड हो गई, अगर अपने घर ग्रस्त में है तो गारंटी नहीं है। उनकी इच्छा रहे रहे न रहे, कोई देखने तो जाता नहीं है। ये तो अंदरूनी बात है, क्रोध विकार तो सबके सामने आ जाएगा, काम विकार तो सबके सामने आने की चीज नहीं है। लेकिन अगर सरेंडर हो गई तो बाप की जिम्मेवारी है। तो बाप का ये विरुद्ध है कि माताओं को क्या बना देता हूं? कन्या बना देता हूं। और फिर दूसरी बात है, कन्याओं को माता बना देता हूं, क्योंकि सर्व संबंध जो है सारी दुनिया से तो तोड़वाए दिए। तोड़ने के लिए कहते हैं या जोड़ने के लिए कहते हैं? क्या कहते हैं? हैं? और संग तोड़, एक संग जोड़। तो सारे ही संबंध दुनिया के जितने भी हैं, जो 63 जन्म की रग पड़ी हुई है, वो सारे संबंध दुनिया वालों से तोड़वाए दिए और फिर एक संग जोड़। एक संग जोड़ने की बात आई तो एक संग जो जोड़ने की बात आ रही है, उसमें कन्याओं को मुख्य संबंध कौन सा याद आएगा ज्यादा? है यहां माता बना देने वाली बात आई है, कन्याओं को माता बना देता हूं, माता को कन्या बना देता हूं। तो यहां बात आई है माताओं कन्याओं को
माता बना देता हूं, इस संबंध में बात है। तो कन्याओं को कौन सा संबंध है ऐसा ज्यादा है जो ज्यादा खींचता है? कन्या जब जवान हो जाती है तो माता का संबंध खींचता है ज्यादा, फिर उसकी शादी क्यों करते हैं? फिर तो घर में ही रखे रहे, माता का संबंध ज्यादा खींचता है? कोई रखता है घर में? हाँ, कोई रखता है? क्यों नहीं रखते? अरे अरे, क्या डर लग रहा है जो घर में नहीं रखते? माता का संबंध ज्यादा खींचता है तो बोलते नहीं। अरे माता का संबंध कन्याओं को ज्यादा खींचता है, माता का संबंध ज्यादा प्यारा लगता है कन्याओं को, तो कन्याओं की शादी क्यों करते हैं? फिर घर में ही रखे ना। अरे वो भी माता बने, शादी कर माता, क्या शादी कर माता बना दे? नहीं, दुनिया वाले क्या करते हैं ये अभी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब माता का ही संबंध कन्या को ज्यादा खींचता है, माता का ही संबंध ज्यादा प्यारा लगता है कन्या को, तो फिर शादी क्यों करती है और शादी क्यों करानी कंपलसरी हो गई है? कोई माँ बाप कन्या को अपने घर में क्यों नहीं रखते या क्यों नहीं रख पाते? कन्वर्ट हो जाती है ना। हाँ, ज्यों ज्यों कन्या नौजवान होती जाती है उसके 63 जन्म के संस्कार उदित हो जाते हैं। तिरसठ जन्मों में जो भी कन्याएं रही हैं कन्या के रूप में, जब वो नौजवान होती हैं, 18-20 साल की होती हैं, तो उनकी शादी हो जाती है मोस्टली या नहीं होती है? हो जाती है। तो वो 63 जन्मों के संस्कार वो पड़ जाते हैं उस उम्र में पति के रूप में याद आने के, तो उनको ज्यादा याद आती है। जैसे कुमारों को ज्यादा याद आती है, वैसे कुमारियों को भी वो साजन सजने का संबंध ज्यादा खींचता है। इसलिए कोई भी माँ बाप कन्या को अपने घर में नहीं रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाइयों के साथ या बाप के साथ या किसी मिटमेट के साथ कोई उल्टा पलटा काम हो जाए या लड़की भाग जाए। तो जो सरेंडर्ड कन्याएं हो जाती हैं, सरेंडर होने के बाद ज्यों ज्यों नौजवान होती जाती हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उनके 63 जन्म के संस्कार उनको खींचते हैं। उन संस्कारों में खींचने में जो यहाँ ज्ञान में संबंध बनता है वो सिर्फ एक के साथ है। तो अगर एक के साथ उसके अंदरूनी भावना उनकी ऐसी चलती है कि ये हमारा बाप भी है और ये हमारा पति भी है, बच्चे के तो संकल्प बहुत कम आते हैं। जो भी पोता मेल आता है वो यही पोता मेल आता है, माताओं को बच्चे के रूप में देखने में आता है मोस्टली, और कन्याओं को मोस्टली पति के रूप में याद आता है या पिता के रूप में याद आता है। दो ही संबंध विशेष बनते हैं, बल्कि माताओं के लिए तो कंपल्सर डाल दिया है मुरली में, माताओं को शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े पहले पहले, क्योंकि बच्चा एक बार भावना में बैठ जाएगा शिव बाबा हमारा बच्चा है तो माता के अंदर फिर दूसरा संकल्प पैदा होगा ही नहीं। माता की भावना तो बड़ी प्रबल होती है, उस प्रबल भावना को तो कोई फिर तोड़ भी नहीं सकता, और अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है कि माता तो पहले ही एक पति के साथ संबंध जोड़ के आई है शरीर का, अगर उसी जीवन में उसी शरीर से किसी दूसरे शरीरधारी के साथ संबंध जुड़ जाता है साजन सजनी का प्रैक्टिकल जीवन में, तो वैश्या बनती है या सदवा हुई? वैश्या का जीवन हो गया। तो इसलिए बाबा की बड़ी, बाबा तो बहुत रमतू रमतवाज है, युक्तिवाद है, एक
कंपल्शन पैदा कर दिया है मुरली में, क्या कि माताओं को शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े, बनाना पड़े पहले पहले, फिर दूसरे संबंध। बाबा जानते हैं एक बार बच्चा बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरा बच्चा है, फिर दूसरा संबंध पैदा होगा ही नहीं बुद्धि में। तो कन्याओं की बात रहती है, कन्याओं के अंदर अगर ये भावना पैदा होती है कि मेरा पति है, तो पति के रूप में अगर दृष्टि से भी कनेक्शन जुड़ता है, भावना जुड़ती है कि ये मेरा पति है, प्यार से लगाव पैदा होता है दृष्टि का, तो काय का संबंध हो गया है? कौन सा संबंध कहा जाएगा? पति पत्नी का संबंध कहा जाएगा? वो चाहे शेष इंद्रियों से संबंध हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियों से संबंध हो, संबंध जो होता है वो पति पत्नी का लगाव वाला होता है, अटैचमेंट जल्दी पैदा करता है, ज्यादा अटैचमेंट जल्दी पैदा होता है पति पत्नी के रूप में। वही कन्या 18, 20, 25 साल बाप के साथ रहती है और एक साल के लिए कहीं पति के घर में पहुंच गई, तो उसकी बुद्धि कहां डाइवर्ट हो जाती है? हैं? पति की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? वो 20-25 साल का असर कहां चला गया? 20-25 साल का जो संग का रंग है वो कहां चला गया? वो एक साल में खलास हो जाता है। और जो सच्ची होती हैं, उनके लिए तो ये भी गायन है मजनू लैला जैसा, सीधी फरियाद जैसा, कि एक दृष्टि भी अगर मिल गई एक सेकंड के लिए, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है ना, तो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के कारण अगर एक बार दृष्टि से मेल भी हो गया तो जीवन भर कभी भूलती नहीं, वो भी संबंध कायम हो जाता है। तो कन्याओं को क्या बना देता हूं? माता बना देता हूं, माता बन गई। और बाबा मुरली में बोला है कि जो आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा होगी उसमें सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं कर सकता, और फिर ऐसे भी बोला है कि आगे चलकर एक एक आत्मा में अनेक आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो जिसकी स्टेज आत्मिक नहीं बनी है वो क्या करेगी? अरे नहीं बनी है तो बनाओ ना। पहली पहली श्रीमत क्या है? हर मुरली में ऐसी कौन सी श्रीमत है जो जरूर आती है? अपन को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझो। एक श्रीमत ऐसी पक्की है जो हर मुरली में दो चार बार नहीं बार बार आती है। क्यों? क्योंकि वो बात हम बार बार भूलते हैं, इसलिए जो बात बाबा बहुत ज्यादा जोर दे करके बोल रहा है उस पर तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। निग्लेक्ट करने की बात ही नहीं, निग्लेक्ट करेंगे तो फिर अंजाम उल्टा होगा या सीधा होगा? उल्टा अंजाम होगा। दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती रहेंगी, हमसे उल्टे काम कराती रहेंगी, अंत में रिजल्ट ये आएगा कि हमारी समाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सतयुग में अगर आ भी गए तो आठवां जन्म होगा सतयुग में जाकर, सात जन्म कम हो जाएंगे। तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? तो ये बात तो आनी नहीं चाहिए कि स्टेज नहीं बनी तो क्या होगा, नई स्टेज बनी है तो सब धर्मों में कन्वर्ट होते रहो, सब धर्म की आत्माएं प्रवेश करती रहेंगी।
चौदह चौदह आत्माएं भी प्रवेश करेंगी, सोलह क्यों नहीं कहा है? अरे भगवान से प्राप्ति करने वाले कितने धर्म हैं? आठ धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। उनमें सूर्यवंश तो पूरी ही प्राप्ति करने वाला है। सूर्यवंशियों में तो कोई दूसरे धर्म की आत्मा प्रवेश कर भी नहीं सकेगी, करेगी भी तो चंद्रवंश की प्रवेश करेंगी बस, और कोई नहीं। लेकिन जो और हैं विधर्मी वो सात नारायण हैं। उन सात नारायण के राज्य में आने वाली सब आत्माएं कन्वर्ट होने वाली है। तो सात नारायण और सात उनकी नारायणी कितने हुए? चौदह आत्माएं प्रवेश करेंगी। सूर्यवंशी को मिला देंगे तो सोलह हो जाएंगे। उनका तो सूक्ष्म शरीर ही नहीं बनता, तो प्रवेश होने की बात ही नहीं। ओम शांति। सरेंडर होने के बाद कन्या माँ बाप को फोन करने के लिए मना करती है। तो भी माँ बाप उसको फोन करते हैं, क्या इसका माँ बाप के ऊपर बोझा करता है? बताओ, चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? क्यों, माँ बाप हैं तो अपनी बच्ची को फोन नहीं कर सकते है? अरे मर गई, जिंदा है, बीमार है, बीमार है, चिंता नहीं करनी चाहिए रचना की है? लगता है जो बोलने वाले हैं उनकी कन्या अर्पण नहीं हुई है। मुरली में बोला है माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। क्यों बोला है? क्या ऐसा है माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं? हैं? अरे हाँ, खास करके माँ, माताओं के लिए तो खास बोला है। माता में अगर मोह का विकार खत्म हो जाए तो समझो माताएं विजयी हो गई। और अभी तक मोह पर कोई ने विजय नहीं पाई है, क्योंकि फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अभी तो पेपर ही नहीं शुरू हुआ, तो विजय पाने की तो बात ही दूर। तो माँ बाप को मोह बहुत आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि देह का कनेक्शन है। लेकिन भारतीय परंपरा में एक मान्यता है कि जो चीज दान दे दी वो फिर याद भी नहीं आनी चाहिए।
दान दे दिया तो दूसरे की हो गई या हमारा हक रह गया? दूसरे की हो गई। याद करना, उसे बार बार बुलाना। अर्पण इसलिए की है कि ज्ञान यज्ञ के वातावरण में जाकर के अच्छे से पढ़ाई पढ़े और जल्दी नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा बने। और हम उसे, माँ बाप उसे बार बार खींचते रहेंगे। पुरानी दुनिया की याद दिलाते रहेंगे तो बच्ची की बुद्धि खिंचेगी या नहीं खिंचेगी? खिंचेगी। इसलिए ये भी सूक्ष्म में पाप बन जाता है। क्या क्या लिख दिया है? 1947 में जगदम्बा ने शरीर छोड़ा तो 1965 में पंजाब में शरीर लिया। अरे ऐसे होता है क्या? बीच में सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन गई है? अरे मम्मा तो ज्ञानी तू आत्मा थी। मनन चिंतन मंथन करने वाली थी। वो सूक्ष्म शरीर धारण कर सकती थी उस समय? सैतालीस में शरीर छोड़ा है तो मुरली में बोला है। कोई कोई बच्चे संगम युग में 2-3 जन्म भी लेते हैं तो जरूर 47 से लेकर के 66 तक इन 20 वर्षों में कहीं जन्म लेकर के पार्ट भी बजाया है। आधे से ज्यादा वार्तालाप में शास्त्रों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने तो कभी शास्त्र पढ़े नहीं है, बस कोई कोई के नाम पता है। अब ऐसे में क्या एक अच्छी ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए शास्त्रों का ज्ञान हमें होना जरूरी है या बाबा जो मुरली में बताते हैं उतना ही काफी है? अरे शास्त्रों के बारे में तो वो पूछते हैं जिन्होंने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। शास्त्रों का भूसा ज्यादा भरा पड़ा है और मनन चिंतन मंथन इतना नहीं चलता है कि शास्त्रों की बातों का बाबा की मुरली से तालमेल बैठा करके उसका अर्थ निकाल सके। तो पूछते हैं, बाकी शास्त्र पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। बाबा तो कहते हैं तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो बहुत अच्छा, उसको पढ़ाई लिखाई को कौन सी पढ़ाई लिखाई बोला? डगली पढ़ाई। और शास्त्रों की पढ़ाई से तो कुछ भी फायदा नहीं। जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो तो फिर भी एक जन्म की कमाई कराती है, पेट की पूर्ति होती है, लेकिन शास्त्रों की पढ़ाई से तो कुछ भी फायदा ही नहीं होता। तो मुरली की
बाबा की पढ़ाई को छोड़ करके और शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ लेना पढ़ना, ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। माताओं को बहुत फीलिंग आती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कागज की मुट्ठी को भी शास्त्र बोला है बाबा। हाँ, कथाकार है जो। अरे एक मुरली, एक थोड़ी देर रुको, एक भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कागज की मुरली है क्या वो भी शास्त्र है या भगवान का ज्ञान है? एक भाई नीचे से बोल रहे हैं भगवान का ज्ञान है। सिक्सटी नाइन तक जो हम मुरलियां पढ़ते रहे तो उन मुरलियों के पढ़ने से, महावाक्यों के पढ़ने से क्या रचयिता बाप और उनकी रचना की पहचान मिली? वो कागज के पत्ते नहीं थे उस समय, है? थे। और अभी कागज के पत्ते हैं या नहीं? अभी भी कागज के पत्ते हैं। अब ज्ञान मुरली हो गई, तब वो कागज के पत्ते ज्ञान मुरली नहीं थे, ऐसे अर्थ पूछ, अनर्थ में थे अभी तक, इसलिए मुरली पढ़ते थे। एक मुरली में आया था क्या जो कागज की मुरली है वो तो शास्त्र नहीं है, है? जब मुरली के महावाक्य जो कागज में छप करके आए हैं और उसका अर्थ ही नहीं समझा, सारे ही मुरली के महावाक्य पढ़ लिए, कागज के पत्ते पढ़ लिए और बाप की पहचान नहीं हुई, तो वो शास्त्र है या भगवान का ज्ञान है? है? शास्त्र ही है। अभी भी बहुत से ऐसे हैं एडवांस में चलने वाले, अभी भी क्या कर रहे हैं, है? कागज की मुरली पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, जबकि बाबा ने मुरली में ही, उस कागज की मुरली में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो डायरेक्ट मुख से सुने वो फर्स्ट क्लास ज्ञान, फर्स्ट क्लास पढ़ाई। जो टैप रिकॉर्डर से सुनेंगे वो सेकंड क्लास पढ़ाई भगवान की, और जो कागज के पत्तों पर पढ़ते हैं या कागज के पत्तों पर पढ़ा हुआ सुनते हैं वो है थर्ड क्लास पढ़ाई। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ना है, है? अगर मिलती है तो फर्स्ट क्लास ही अच्छी है। लौकिक पढ़ाई है, उससे एक जन्म की पेट पूर्ति होती है, है? और शास्त्रों से कुछ नहीं मिलता उससे, है? तो कई ऐसे शास्त्रवादी हैं जो बड़े बड़े व्यक्त खाता है या प्रवचन करता है, है? तो आज भी लाखों करोड़ कमाते हैं, है? अनेक जन्म की कमाई कमाते हैं। लौकिक जो पढ़ाई है वो भी एक जन्म के लिए, हाँ? और जो प्रवचन करता है, हाँ? वो भी लौकिक कमाई करते, वो भी प्रवचन करके लाखों करोड़ कमाते, वो भी एक ही जन्म के लिए, हाँ? तो बाबा ने बताया कि मतलब उससे प्राप्ति नहीं है किसी, हाँ? शास्त्रों की पढ़ाई से, जो शास्त्रों की पढ़ाई सुनते हैं उन पढ़ाई पढ़ाने वालों से वो गड्ढे में जा रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं, है? गड्ढे में जा रहे हैं। और जो पैसे कमाने वाले पढ़ाई पढ़ रहे, शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वो गड्ढे में गिराने का काम कर रहे हैं
या उठाने का काम कर रहे हैं? है, गड्ढे में गिराने का काम कर रहे हैं? तो चोर डकैतों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? चोर डकैतों की भी पढ़ाई होती है कि नहीं? है, आतंकवादियों की भी पढ़ाई होती है या नहीं? वो भी पेट पूर्ति करती है, करती है या नहीं? है, तो फर्क नहीं है। एक है पसीने की कमाई और सच्चाई की कमाई। दिल जानता है कि हम पसीने की कमाई खाते हैं, दूसरों को बेवकूफ 420 का धंधा हम नहीं करते हैं। और वो शास्त्रकार जानते हैं कि ये अंधश्रद्धा हम सिखा रहे हैं, ये हम भगवान का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें खुद भी भगवान नहीं मिला है, फिर भी दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तो जो दुनिया वाले पढ़ाई पढ़ाते हैं स्कूलों में कॉलेजों में, वो ज्यादा सच्ची है या शास्त्र वालों की पढ़ाई ज्यादा सच्ची है? है, वो ज्यादा सच्ची है। सच्चाई भले एक जन्म की कमाई कराती है तो भी अच्छी, झूठ तो झूठ ही है। संस्कार कैसे पढ़ेंगे? झूठ बोलने के संस्कार पढ़ेंगे और दूसरों से झूठी कमाई कराने के संस्कार पढ़ेंगे। हाँ जी, है दादी दीदी मुरली पढ़ाती है तो वो पास में होता है कि मुरली जमा होता है? वो अंदर से जान चुके हैं, वो अंदर से जान चुके हैं क्या कि हम सच्चे नहीं हैं, इसलिए पैसा कमाने में लगे हुए हैं या सच्चा ज्ञान देने में लगे हुए हैं? पैसा कमा रहे हैं वो तो सिर्फ है। हाँ बाबा, एक साकार वाणी में आया है बाबा, एक साकार वाणी में आया है कि अज्ञान काल में हमने तुमने जो किया वो याद तो रहता है ना, फलाने फलाने को मारा ये भी तो याद आता है, तो ये हमने तुमने तो इसमें ब्रह्मा की आत्मा ने बोला होगा? जरूर बोला होगा। हाँ तो फिर फलाने फला आगे बोला है कि फलाने फलाने को मारा ये भी तो याद आता है ना, तो फलाने फलाने को माने किसको, क्या मारा, कैसे मारा? तुमको पोता मेल जरूर देना जरूरी है क्या? माने ब्रह्मा बाबा इनको एक एक का नाम बताएं कि हमने किसकी किसकी हत्या की, आपको क्यों बताएं? नहीं बताते, बस इतना बता दिया हमारा। और एक जनरल बात बताई, हमने तुमने सामने वाले जी हाँ जोर से बोलो। हाँ, हिप्नोटाइज करते हैं। हाँ, जो प्रेत आत्माएं हैं उनमें बौद्धिक पावर और शरीर की पावर ज्यादा होती है या कम होती है? उनका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं और बुद्धि भी सूक्ष्म है। जो मजमा लगाने वाले हैं वो कोई बच्चे को सुला देते हैं, उसमें आत्मा का प्रवेश कराते हैं और मजमे में खड़े हुए लोगों से पूछते हैं तुम्हारी जेब में जो नोट हैं वो तुम्हें याद हैं या नहीं, कि हाँ याद हैं। उस बच्चे से पूछते हैं इनकी जेब में कौन कौन से नोट हैं, वो बता देता है। आंखें बंद हैं, शरीर के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, कैसे बता देता है? है, सूक्ष्म शरीर है ना। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं कोई ज्यादा तीखी है तो दो चार जन्म पीछे तक की बात बता सकती है बस,
लेकिन 84 जन्मों का राज कोई नहीं बता सकता। और सीढ़ी के चित्र में जहाँ भारत लेटा हुआ है उनके नीचे कुछ टूटी हुई दिखाई है। सीढ़ी के चित्र में जहाँ भारत लेटा हुआ है हाँ। और उनके नीचे जो सीढ़ियाँ टूटी हुई है, सीढ़ियाँ कटी हुई है हाँ। उसका अर्थ है कि जो कटी हुई सीढ़ियों का हिस्सा है वो संगम युग में जाने दो। और बाबा सत्यनारायण की कथा गाई जाती है हाँ। बाबा कैसे लक्ष्मी की भी नहीं हाँ। जब कथा करते हैं तो लोग इसकी विष्णु चतुर्भुज की पूजा करते हैं हाँ। सिर्फ नारायण तो होता नहीं, मतलब विष्णु चतुर्भुज में लक्ष्मी तो है ही है हाँ। तो फिर लक्ष्मी को बाबा कंपेयर कैसे करते कि पूजा का कनेक्शन प्योरिटी से है क्या, और कथा का कनेक्शन, कथा का कनेक्शन जीवन कहानी से है। एक की जीवन कहानी सच्ची और उस एक के साथ देने वाला जो 84 जन्मों का भी साथी बल हो वो भी सच्चा नहीं है, वो भी झूठा है। विष्णु में जो चार भुजाएं हैं और एक चलाने वाला, पांच आत्माएं हैं, उनमें चलाने वाला चैतन्य है, सत्यचित्तानंद है, या चार भुजाएं भी सत्यचित्तानंद है? एक चलाने वाला ही सत्य है, चित्त माने चैतन्य है और आनंद मग्न है ज्ञान की पराकाष्ठा के कारण। बाकी चार आत्माएं, चार भुजाएं वो सत्य नहीं है सदैव, क्योंकि सदैव ज्ञानी नहीं है, कुछ न कुछ संशय आता रहता है। और पढ़ो, कौन पढ़ पाएगा, पढ़ के बताओ। पावन सजातीय बनती है आत्मा को पावन बनने के लिए, पावन आत्मा पावन कब बनती है, सजा खाने से या पुरुषार्थ करने से या बाप को याद करने से? पावन बनती है ज्यादातर सजा खाने से पावन बनती है। सजा खा करके ज्यादातर आत्माएं पावन बनती हैं, तो वही रास्ता अपनाना चाहिए ना। आपकी जो विनाश होता है हाँ, आत्माएं सजाए खाकर पावन बनती, पावन बनती है, कितनी अच्छी बात है, है? अरे बहुमत का जमाना है या एक राजा का जमाना है, है? प्रजातंत्र राज्य है, बहुमत का जमाना है, जो बहुत करेंगे वही हम करेंगे। अच्छा प्रश्न पूछा है। और है क्यों, अभी चश्मा नहीं उतर जाता है बहुतों का? अरे आज की दुनिया में बहुतों का चश्मा उतर जाता है या नहीं? तो कंचन काया बने और चश्मा उतर जाए, क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है नहीं? तेरे को बाबा का चश्मा दिखाई पड़ता है या अपना दिखाई पड़ता है? क्या है, पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया है? है
ऐसा कोई गणित छोड़ने के लिए तीन चार फॉर्मूले यूज करते हैं, गणित छोड़ने के लिए तीन चार फॉर्मूले यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? शरीर धारण करने के लिए गणित, हाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। हाँ, आत्माओं को कुछ राज परमधाम की श्रुति देने से एकाग्र हो जाती है। परमधाम परमधाम की श्रुति देने से हाँ आत्मा एकाग्र हो जाती है। ऐसे ही कोई वस्तु अपन ऊपर फेंकते तो कुछ दूरी तक जो ले गए वो जीरो हो जाता है, फिर नीचे खींचा जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार से। तो ऐसे ही जब अपन नष्ट मोह का अभ्यास करते हैं, अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं, तो कुछ परसेंटेज में आत्मा की जो रस्सी है वो नीचे खींचती है। उस आधार पर आपको कमजोर आदमी है, पत्थर ऊपर फेंकेगा तो कम दूर जाएगा, जाएगा ना। और ज्यादा पहलवान है और पत्थर फेंकने की उसको प्रैक्टिस बहुत है तो पत्थर बहुत ऊंचाई तक जाएगा और फिर वापस आएगा। ऐसे ही ये 500-700 करोड़ नंबरवार पहलवान है आत्माएं, जो अपनी मन बुद्धि को इस शरीर के पांच तत्वों से, पृथ्वी के पांच तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने का राजयोग से अभ्यास कर रहे हैं। जैसे पहलवान अभ्यास करता है ना, ज्यादा अभ्यासी पहलवान होता है तो बड़ा पहलवान बड़ा बन जाता है कि बिना अभ्यास के बन जाता है, अभ्यास से बन जाता है। तो ऐसे ही ये आत्माएं अभी आकर्षण से परे जाने का अभ्यास कर रही है, उस्ताद सिखाने वाला आया हुआ है। तुमको दुनिया का बड़े से बड़ा उस्ताद मिला हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा कि एक बार जाए तो वापस ही नहीं आए। क्या वापस तो सबको आना पड़ेगा। अच्छा दौड़ने वाला वो माना जाता है जो छुए और छू करके फौरन वापस आ जाए। कोई दौड़ते दौड़ते चले तो जाते हैं, फिर लत होके गिर जाते हैं। तो कोई 5000 वर्ष तक पड़े रहेंगे, आराम करेंगे, कोई कम कोई ज्यादा। हीरो पाटधारी वो है कि पहले जन्म में ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वापस आ जाए, उनमें भी नंबर वार। और चलो हो गया।